दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आपकी इंडियन आर्मी की नई भर्ती आ रही है। इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2024 की एक और भर्ती आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रोजगार समाचार यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं, इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में आपका आ गया है। दोस्तों, रोजगार समाचार में छपने के एक हफ्ते के अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आपका आता है एक हफ्ते के अंदर। तो इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका छप चुका है। एक हफ्ते के अंदर आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। इसके बारे में आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसमें दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, हाइट आपकी इसमें कितनी होनी चाहिए, मेल और फीमेल कौन कौन इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और इसकी जो फॉर्म की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आज मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैंने इसकी अलग से स्लाइड बना ली है ताकि आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, वो आपके 13 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 मई 2024 से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 13 जून 2024 रहने वाली है। तो पूरा एक महीना आपको दिया गया है इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं एक महीने के अंदर। दोस्तों, अब है लोकेशन। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब है नेक्स्ट जेंडर। तो ये मेल और फीमेल दोनों बच्चों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जेंडर के बाद है यहाँ पर हाइट। दोस्तों, हाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है, लेकिन दोस्तों इस भर्ती में आपकी केवल 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, जितनी भी आपकी महिलाएं हैं और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल की 157, फीमेल की 152, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, हाइट के बाद है एज लिमिट। तो एज लिमिट इसमें आपकी 16.5 से 19 साल के बीच रखी गई है। तो 16.5 से 19 साल के बीच अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है, ऐसी वैकेंसी आपके लिए बार बार नहीं आती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यहाँ पर आप फ्री में इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस जहाँ से आप फॉर्म भरवाओगे कंप्यूटर वाला, वही आपकी भरने की लेगा, जो भी वो लेता है, या फिर आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, तब तो कोई भी आपको फ़ीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों, कोई फ़ीस इसकी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपका जो है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वालिफ़िकेशन आपका रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये 12th पास की वैकेंसी है। अगर आपने 12th पास कर ली है, कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए, और ये PCM के बच्चों के लिए है। मैथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की वैकेंसी है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत ये भर्ती आती है, तो PCM वालों के लिए ही यहाँ पर ये मौका दिया जाता है। इसके साथ ही JEE मेन का जो एग्ज़ाम होता है हर साल, उसमें आपने एग्ज़ाम इस बार दिया हुआ होना चाहिए। तो ये दो क्वालिफ़िकेशन आपके रखे गए हैं, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो साथियों, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, PCM के साथ मिनिमम 12th में 60% नंबर आपके हैं, JEE मेन का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा मौका आपको दिया जा रहा है। तो साथियों, इसके फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इसकी दूंगा, और इंडियन आर्मी से जुड़ी सभी जानकारी मैं अपने चैनल पर आपको सबसे पहले दूंगा, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।